हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 37 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको डेली वीडियो चाहिए या फिर सिर्फ 15 मिनट की ही वीडियो चाहिए? क्योंकि अभी जितनी भी वीडियो मुझसे बन पाती है हम अपलोड कर देते हैं। यदि सिर्फ लॉन्ग वीडियो ही चाहिए है तो फिर आप भी समझ सकते हो, मेरा भी एग्जाम का टाइम पास आ रहा है। जो भी हो, आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। टंसन अब तक समुद्र के पास आता जा रहा होता है, लेकिन किनारा अभी भी दूर था। इसलिए टंसन खुद को बेस्ट सी पिरामिड में छिपा लेता है, साथ ही उड़ान भरता रहता है। टंसन की धड़कन तेजी से चलने लगती है। अब तक 4 घंटे बीत चुके थे। रेनुक्स अभी भी टंसन के पास नहीं आई थी। अब तक टंसन समुद्र के एकदम करीब था। तभी टंसन का दिल कांप गया। कहीं दूर उसे गोल्डन लाइट दिखाई दी। कुछ समय बाद वह गोल्डन लाइट काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। टंसन को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ। तभी टंसन को याद आ जाता है, कभी क्यान डोलियो को आकाश का देवता कहा जाता था। यह याद आने के साथ टंसन जमीन पर आ जाता है, ट्राइडेंट को भी एक्टिव कर लेता है। कुछ ही सांसों में क्यान रेनुक्स फिर से टंसन के पास आ जाती है। एंजल डोमेन फैल जाता है, जो पिछली बार से दोगुना पावरफुल था। अब तो टंसन के पास बचने का कोई मौका नहीं है। रिंग विस्फोट भी नहीं कर सकता है, जिसके साथ हैमर डांस का यूज करने से डोमेन को तोड़ सके। तभी क्यान रेनुक्स का प्रेशर टंसन पर पड़ने लगता है, जिससे टंसन आगे भी नहीं बढ़ पा रहा होता है। क्यान रेनुक्स इस बार बस टंसन को ख़त्म करने आई होती है। टंसन अपने 8 स्पाइडर लॉन्स के साथ किसी बड़े वेब में फंसी हुई स्पाइडर के जैसे लग रहा होता है। टंसन के गुआनिन टीयर से वह मारी ही जाती, यदि वह गॉड नहीं होती तो। क्यान रेनुक्स ने अपने दिल को फिर से बनाया होता है, और इसमें गॉड इनहेरिटेंस से भी ज़्यादा दर्द हुआ होता है। उस दर्द को भी क्यान रेनुक्स ने टंसन को मारने के लिए मोटिवेशन के रूप में लिया। साथ ही रेनुक्स इस बार टंसन के सामने अपने आर्मर के साथ आई होती है। इस बार रेनुक्स टंसन के साथ चिट चैट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। यदि वह फिर से बात करती तो हो सकता है उसका टंसन को मारने का इरादा डगमगा जाए। जल्दी ही रेनुक्स ने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया, जिसकी चमक के आगे सूरज भी कम लग रहा होता है। यह अपनी स्वॉर्ड में इतनी पावरफुल एनर्जी सूरज से ही ले रही होती है। टंसन उसकी एनर्जी को देखकर समझ जाता है यह कोई ऐसा अटैक नहीं है जिसे वह झेल सके। टंसन के एर्थ सोल रिंग पहले से ही ठीक हो गए होते हैं। क्यान रेनुक्स के स्वॉर्ड को ऊपर करने के साथ टंसन के लेफ्ट हैंड में हैमर दिखाई दिया। पहली रिंग फ्लैश होती है, साथ में ट्राइडेंट से गोल्डन चक्र भी निकलता है। ट्राइडेंट से निकलने वाली वेव एक ही पल में फैल गई, जिससे एंजल डोमेन को कुछ पीछे कर दिया होता है। साथ ही हैमर क्यान रेनुक्स की पैरों की ओर स्विंग करता है, और जैसे ही टंसन की फर्स्ट सोल एबिलिटी लॉन्च की गई, वह पिच ब्लैक क्लियर स्काई हैमर चुपचाप मैदान में आ जाता है। अगले ही पल में टंसन की बॉडी गायब हो जाती है। सन की कंडेंस्ड डिवाइन पावर से भरी हुई एंजेलिक स्वॉर्ड भी गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि प्योर गोल्डन ब्लेड धरती को खोलने आया है। सेकंड स्प्लिट प्योर गोल्डन लाइट जमीन से टकराई, कोई आवाज़ नहीं हुई, लेकिन जमीन में एक बहुत बड़ा होल सा खुल जाता है। सन की डिवाइन पावर से हवा भी मुड़ जाती है, चट्टानें पिघल रही होती हैं। यह अटैक एक ट्रू गॉड की स्ट्राइक है, इसे सेक्रेड सन स्वॉर्ड कहा जाता है। यह एंजल गॉड की स्पेशल एबिलिटी है। यह स्लैश 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह से जमीन में समा जाता है। प्योर गोल्डन लाइट के गुजरने के बाद जमीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इसके अलावा वह गड्ढा लगातार बड़ा होता जा रहा होता है। जैसे ही सेक्रेट सन स्वॉर्ड जमीन पर गिरा, क्यान रेनुक्स को कुछ दुख हुआ, क्योंकि उसे लगता है टंसन के लिए इस अटैक से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन वह ज़्यादा देर तक उदास ना रह सकी, और अचानक शॉक हो जाती है। उसकी मेंटल प्रेजेंस में टंसन गायब नहीं हुआ है, बल्कि तेजी के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर रेनुक्स खुशी और गम दोनों ही एक साथ फील कर पाती है। उसकी अजीब सी मुस्कान गायब हो जाती है। टंसन बच सकता है, क्योंकि टंसन ने हैमर की फर्स्ट रिंग की एबिलिटी टाइटन हैमर और फोर्स ऑफ अर्थ का यूज़ किया होता है। यह दोनों ही अटैक एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अटैक और सपोर्ट टाइप स्किल है।
जो ग्रेट सुमेरु हैमर के साथ वर्क करता है, साथ ही दूसरे अटैक में भी सपोर्ट कर सकता है। फर्स्ट रिंग की सेकंड एबिलिटी फोर्स ऑफ अर्थ पूरी तरह से सपोर्ट एबिलिटी है जो अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकती है। एशियंट टाइम से टाइटन का नाम गॉड ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। टाइटन जाइंट एप का दूसरा नाम चाइल्ड ऑफ अर्थ था, इसी के कारण से टाइटन जाइंट एप फॉरेस्ट का किंग बना। इसलिए जैसे ही तांगसन ने फर्स्ट रिंग को लॉन्च किया, तांगसन जमीन के अंदर चला गया और ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग सोल बोन से उड़ान भरना शुरू कर दिया। क्लियर स्काई हैमर की फर्स्ट सोल रिंग की दोनों ही एबिलिटी इसी तरह से दूसरी एबिलिटी के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। अब तो तांगसन आसमान में ही नहीं जमीन के अंदर भी उड़ान भर सकता है। साथ ही तांगसन ने लेफ्ट हैंड सोल बोन की एबिलिटी ग्रेविटी कंट्रोल को यूज करके ग्रेविटी को भी कम कर दिया होता है, जिससे वह और तेजी के साथ उड़ान भर सका, जिससे वह जमीन के अंदर पानी में किसी मछली की तरह उड़ पा रहा होता है। और अब एंजल डोमेन जमीन के ऊपर ही काम कर सकता है, इसलिए जमीन के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन फिर भी स्वॉर्ड की एनर्जी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, तो उससे तांगसन को उसकी गॉड लेवल 8 स्पाइडर लांस ने बचाया होता है। तांगसन समझ सकता है क्यान रेनुक्स उसके ही ऊपर है, लेकिन अगला अटैक कब करेगी यह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसके सेंस पहले ही क्यान रेनुक्स के प्रेशर के कारण कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही क्यान रेनुक्स का फिर से अटैक होने वाला होता है, तांगसन जमीन के 500 मीटर नीचे चला जाता है। क्यान रेनुक्स समझ सकती है यदि तांगसन समुद्र में पहुंच गया तो वहां पर रेनुक्स कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने भी जमीन के अंदर जाने का फैसला किया। स्वॉर्ड फिर से सन की एनर्जी से चार्ज होती है। क्यान रेनुक्स का आर्मर लावा की तरह दिख रहा होता है। क्यान रेनुक्स की आंखें चमक उठी। जमीन को एम करते हुए अगले ही पल में किसी शूटिंग स्टार की तरह उसमें एंटर कर जाती है। सेक्रेट सन स्वॉर्ड जमीन को पिघलाती जाती है और वह आगे बढ़ती जाती है। तांगसन जमीन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि रेनुक्स उसे बर्बाद करते हुए। लेकिन रेनुक्स की पावर जमीन के अंदर एंटर करने से काफ़ी कम हो जाती है, जहां तक कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी सप्रेस हो जाती है। तांगसन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन तांगसन मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ अर्थ फोर्स को समझने के लिए यूज़ कर रहा होता है। तांगसन लगातार गहराई में आगे बढ़ता जा रहा होता है। गहराई के साथ तांगसन पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होता है। क्यान रेनुक्स उसके पीछे ही होती है। तांगसन का तरीका बेहद ही खतरनाक है। यदि तांगसन आगे कंट्रोल नहीं कर सका तो वह वहीं पर सील हो जाएगा और तुरंत ही मारा जाएगा। इसी तरह से तांगसन जमीन में 1000 मीटर तक गहरा चला जाता है, वहीं क्यान रेनुक्स तांगसन से मात्र 200 मीटर ही पीछे होती है। क्यान रेनुक्स की भी सन फ्लेम खत्म होने वाली होती है। फ्लेम के खत्म होने पर रेनुक्स अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करेगी, जिससे वह जमीन और चट्टानों को काट सके। लेकिन रेनुक्स को तांगसन की तरह जमीन में दबकर मरने की फिक्र नहीं होती, वह कभी भी बाहर निकल सकती है। तांगसन की चालाकी क्यान रेनुक्स के लिए एक सिरदर्द से कम नहीं है। तांगसन सोल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ बिग रिकवरी सॉसेज खा लेता है। अब रेनुक्स की दूरी मात्र 80 मीटर ही रह गई होती है, तभी तांगसन की फर्स्ट रिंग की लाइट अचानक गायब हो जाती है। रेनुक्स के हाथों में एंजल स्वॉर्ड होती है जो आगे की ओर इशारा कर रही होती है और अटैक करती है। गोल्डन लाइट फैल जाती है, साथ ही सिक्स विंग्स भी। वह तेज गोल्डन लाइट एक काफ़ी बड़ी गोल्डन फ्लेम में कंडेंस होती है, इसी के साथ तांगसन की ओर अटैक करती है। तांगसन के लेफ्ट हैंड में हैमर होता है, एर्थ रिंग फ्लैश होती है। चारों ओर रेड कारपेट की तरह रेड लाइट फैल जाती है और साथ ही तांगसन को घेर लेती है, जो कि देखने में किसी आर्मर की तरह लग रहा होता है। साथ में तांगसन अपना राइट हैंड उठाता है। सी गॉड ट्राइडेंट की मैन ब्लेड से 9 गोल्डन रिंग निकलते हैं, जो कि अनफिक्स स्ट्रॉम की डिफेंसिव पोजीशन होती है, जिसके रिंग एक एक करके खत्म होने लगते हैं। आखिरी रिंग के खत्म होने तक क्यान रेनुक्स के स्वॉर्ड अटैक की इंटेंसिटी लगभग हाफ से भी कम हो जाती है। इसके बाद तांगसन अटैक को रोकने के लिए अपनी बैक का यूज करता है, साथ ही एर्थ रिंग की एबिलिटी से विस्फोट होता है। तांगसन मिट्टी से किसी आर्टिलरी सेल की तरह शूट होता है, साथ ही वह रेड कारपेट
कि एनर्जी जो तांगसेन की बॉडी पर किसी आर्मर की तरह होती है वह भी बिखर जाती है। गॉड लेवल स्पाइडर लॉन्स भी टूट जाते हैं, कपड़े भी राख हो जाते हैं। हालांकि तांगसेन की बॉडी पर कोई खास चोट नहीं आई होती है, तांगसेन को केवल अपनी पीठ पर गर्मी का एहसास हुआ होता है, साथ ही उसके मुंह से खून निकलता है और भयानक दर्द होता है। इसी बीच तांगसेन स्प्रिट को स्विच करता है और उसके साथ ही एनर्जी के लिए फर्स्ट रिंग में विस्फोट करता है, जिससे वह जगह बना सके। तांगसेन ने रिंग डेटोनेशन और एंजेलिक फोर्स का यूज़ बाहर आने के लिए करता है। इसके बाद फिर से स्प्रिट स्विच करते हुए 6 और 8 रिंग फ्लैश होती हैं। तांगसेन के चारों ओर फिर वही रेड लाइट कारपेट दिखाई देता है, जिससे मिट्टी का प्रेशर अब तांगसेन पर नहीं रहता है। इस बार तांगसेन पर कोई प्रेशर नहीं होता, साथ ही 6 रिंग ने क्लियर स्काई हैमर को कवर कर लिया। तांगसेन ने इसे हल्के से घुमाया और सामने की मिट्टी और चट्टानें आसानी से काट दी गई। रेनुक्स भी समझ जाती है तांगसेन का अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब यह कैसे पॉसिबल है। तो तांगसेन की एर्थ रिंग डिफेंसिव एबिलिटी यूज करने पर बैरियर बन जाता है जो तांगसेन को प्रोटेक्ट करता है। इसे 1000 जिन बैरियर या 15 टन रैमपार्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन 100,000 ईयर के होने के बाद भी केवल एक ही टेक्निक होती है, जिससे यह भयानक रूप से पावरफुल भी हो जाती है। साथ ही सोल रिंग एंट एम्परर से आई है, जो कि जमीन में ही रहते हैं, इसलिए इस एबिलिटी को यूज करने के साथ मिट्टी का प्रेशर खत्म हो जाता है। साथ ही 6 सोल रिंग में 2 एबिलिटी, जिनमें से एक को एंट एम्परर चॉप कहा जाता है, जो मिट्टी को खोलने के लिए या कहा जाए स्प्लिट करने के काम आता है, जो कि डीमोनिक एक्स के समान है। इन्हीं से तांगसेन बचने के साथ आगे बढ़ पा रहा होता है और क्यान रेनुक्स इसके पीछे लगी होती है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्यान रेनुक्स तांगसेन को समुद्र तक पहुंचने से पहले नहीं मार सकती। लेकिन तांगसेन ने आगे बढ़ने के साथ फील किया रेनुक्स ने पीछा करना बंद कर दिया है, जिससे तांगसेन हैरान हो जाता है। अभी की स्थिति में तांगसेन 1500 मीटर जमीन के नीचे होता है। रेनुक्स ने रुकते हुए फिर से स्वॉर्ड उठाई, गोल्डन फ्लेम दिखाई दी, इसी के साथ भयानक गॉड लेवल एनर्जी दिखाई देती है जो एक गोल्डन पिलर जैसा होता है। 1500 मीटर की दूरी को काटते हुए एक चैनल सा बना लेती है, जिससे सीधे ही आसमान दिखाई देने लगता है, और इसी के कारण क्यान रेनुक्स पर से अर्थ का प्रेशर खत्म हो जाता है। हालांकि यह सिर्फ 1 मीटर के डायमीटर में था, लेकिन क्यान रेनुक्स के लिए इतना काफ़ी था, जिससे क्यान रेनुक्स की डिवाइन एनर्जी पहले ही कई गुना बढ़ जाती है। इस चैनल के माध्यम से रेनुक्स फिर से एनर्जी लेने लगती है। इस बार फिर से सन फ्लेम को खींचने के लिए एंजेलिक स्वॉर्ड का यूज किया, साथ ही एंजेलिक रेमेंट की विशेषताओं को भी लॉन्च कर देती है। उसका एंजेलिक रेमेंट वास्तव में प्योर रेड हो जाता है। उसी के साथ क्यान रेनुक्स की आंखों में से भी फ्लेम निकलने लगती है। अब क्यान रेनुक्स की स्पीड पहले से 3 गुना हो जाती है। रेनुक्स को इसमें कुल 8 सेकंड लगे, जब तक तांगसेन 3 किलोमीटर की दूरी तक चला गया होता है। तभी तांगसेन को आने वाले खतरे का एहसास हुआ, बाकी बची हुई एर्थ रिंग में विस्फोट कर दिया होता है, और आगे जाने के लिए तांगसेन ने पूरी ही पावर का यूज करने लगता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।